चौपाल देखवाला सगला दर्शिका ने राम राम सा। भाई ग्रामीण भाई बहनों, जान है तो जहान है, लेकिन जान तो है शरीर के मायने, लेकिन शरीर को कोई हिस्सो अगर निर्जीवी है जान कोनी भी के मायने और बे भी खास कर आँख्या, तो जीवन में अंधेरों ही अंधेरों छा जावे। अपा सगला अपने जीवन में अपने संसार की सारी प्रकृति, पेड़ पौधा, चांद सितारा सब देखा, लेकिन कुछ लोग इन का है जो अंधत्व के कारण जिंदगी का ये सब सुख को नहीं देख पाया है और बाकी जीवन में अंधेरों है। अगर आपा नेत्रदान करा तो बे लोग भी एक खूबसूरत दुनिया ने देख सके है, क्योंकि नेत्रदान महादान है। और आज आपा नेत्रदान के ऊपर ही बातचीत कर सा, और बातचीत करवा खातर आपने सागे पधारे है डॉक्टर अनुभूति शर्मा जी, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ है। अनुभूति जी, वहाँ की चौपाल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अनुभूति जी, आज अपन नेत्र दान की बात कर रहे हैं जो कि एक महादान है, तो सब पहले अपन वो जानना बहुत जरूरी है। मैं दर्शकन आप बताओ कि अंधत्व को जो कारण है वो कहीं हुआ है? अंधेपन का कारण दो तरीके से हो सकता है। एक तो बहुत ही जल्दबाजी में सडनली अपन अंधे हो सकते हैं, नहीं तो ग्रेजुअली अपने को अंधेपन हो सकता है। जो सडन जो अंधेपन होता है वो जैसे कि कभी किसी को चोट लग जाए, कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए, या किसी का पर्दा गिर जाए आँखों का, या नस में कोई दिक्कत आ जाए, तो ऐसी बीमारियाँ जो एकदम से तुरंत हाथों हाथ हो जाती है, तो उससे आदमी अंधा हो सकता है। और जैसे जैसे कुछ लोगों के धीरे 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 विजन लॉस होती रहती है, तो इसमें सबसे मुख्य कारण है कैटरैक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। दूसरा कारण है ग्लोकोमा, जिसको हम काला पानी बोलते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज और आजकल की जो लाइफस्टाइल के हिसाब से हम देख रहे हैं, ARMD एक मैक्युलर डिजेनरेशन की जो बीमारी आ गई है, वो भी एक आजकल अंधेपन का कारण बन रही है। और जो मुख्यतः आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, शुगर की, डायबिटीज़ और BP की हाइपरटेंशन, इसमें अगर आपके पर्दे में बीमारी आ गई, डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इससे भी आदमी अंधा होने लग गया है। तो जी, आप कालापन की बात करिए, कालापन का ही है आँखों को, एक बार में आप थोड़ा सा बताओ। काला पानी जो होता है, ये दिखता काला पानी नहीं है। इसमें होता क्या है, जो आँखों में, जैसे अपने शरीर में ब्लड प्रेशर BP होता है, वैसे आँखों में भी BP होता है, उसको हम इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर बोलते हैं। एक प्रेशर होता है, इसमें फ्लूइड होता है जो मेंटेन करते हैं आँखों के प्रेशर को। तो अगर इसमें ऐसी स्थिति आ गई कि अंदर पानी एक्यूमुलेट हो रहा है और बाहर निकलने की जो व्यवस्था है वो नहीं हो रही है, तो इसमें वो जैसे जैसे अंदर अंदर इकट्ठा होता रहेगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे ही आँखों के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, उसके जो पीछे जो नस होती है जिससे हमें रोशनी प्रदान करती है, तो वो नस पे दबाव पड़ता है, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, और उसके चेंजेस के कारण आपकी आँखों में देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप की एज होती ही रहती है, तो जैसे अपन सब कुछ अभी देख पा रहे हैं, उनकी जो रोशनी की जो क्षमता है, धीरे धीरे जो विजन है, फील्ड ऑफ विजन कम होती रहती है और एक सुरंग की जैसे हो जाती है। तो मतलब चारों तरफ काला और एक बस इतना टनल विजन बोलते हैं। तो ये ग्लोकोमा है, जो एक लाइफ टाइम विजन ब्लाइंडनेस की बीमारी है, और ये इसकी जो दवाइयाँ हैं या इसका जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ टाइम चलता है। जी, अभी आप एक और बात बताइए कि अंधत्व का महत्वपूर्ण कारण जो है वो मोतियाबिंद भी है। हाँ जी। तो मोतियाबिंद काई और एको हुआ को कारण काई है, कौन सी उम्र में जो है वो मोतियाबिंद हुआ है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुना कि भाई मोतियाबिंद हुआ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तो एक बारे में आप थोड़ा सा विस्तार में बताओ। मोतियाबिंद या कैटरैक्ट, मोतियाबिंद बहुत ही मुख्यतः एक ऐसी बीमारी है जो हर एज में किसी ना किसी को जरूर होगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसी एज में होगी, बच्चों में भी हो सकती है, बीच में जवान के भी हो सकती है, और जनरली ये क्या होती है कि 50 के ऊपर की उम्र के लोगों में होती है। जिस तरह से अपने बाल सफ़ेद होते हैं, एज रिलेटेड ये ब्लाइंडनेस होती है। अब इसमें जो हमारा लेंस होता है, एक तरीके से ये ट्रांसपेरेंट होता है, धीरे धीरे इसमें पानी एक्यूमुलेट होता है, इसमें केमिकल चेंजेस आने लग जाते हैं एज के कारण। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये अपने आप ही होती है, किसी को जल्दी होती है, किसी को बाद में होती है। तो ये जो लेंस है वो धीरे धीरे फूलने लग जाता है और पकने लग जाता है, और इसमें कलर चेंजेस आने लग जाते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसकी क्या स्टेजिंग है।
और जैसे जैसे हम जैसे आप जाते हैं अपने आई डॉक्टर के पास और आप एग्जामिन करवाते हैं, तो वो बोलते हैं कि अभी ये स्टेट नहीं आई है कि हमें ऑपरेशन करना है, शायद ये एक साल बाद हो, या कभी ये ऐसे बोल देते हैं कि अभी तो आपको तुरंत ही ऑपरेशन करवाना है। मतलब ये वो स्थिति में पहुंच चुका है कि ये ऑपरेशन अभी इसका नहीं होगा तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। तो ये जिस जिस स्टेज में जाता है उसमें कलर चेंजेस होते हैं, उसकी और भी जो हम एग्जामिन करते हैं उसके चेंजेस को देख के फिर हम उनका ऑपरेशन तय करते हैं। हाँ, ये अलग एक धारणा है कि हम ऐसे पूछते हैं कि कोई दवाई दे दीजिए जिससे हमारा मोतियाबिंद कम हो जाए या रुक जाए या आगे बढ़ जाए। ऐसी जो इसको हम प्लेसिबो ट्रीटमेंट भी बोलते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं वो कुछ हद तक आपको थोड़ा इफेक्ट दे सकती हैं लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। कैटरैक्ट का परमानेंट इलाज ऑपरेशन ही है। एक स्टेज पे आके जब डॉक्टर ने बोल दिया है कि नहीं इसका इलाज आपको सर्जरी करवाना है तो बस आपको उनकी बात मान के सर्जरी करवानी ही है। ये नहीं सोचिए कि मैं इसको टाल दूँ, सालों साल इसको बाद में देख लूँगी। उसके बाद और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं जिसके कारण और दिक्कतें आ सकती हैं, आपका जो मोतियाबिंद गिर सकता है और आपकी आँखों में दिक्कत आ सकती है, फिर आपको अंधापन भी हो सकता है। और डॉक्टर साहब जी अभी आप बताओ कि भाई मोतियाबिंद जो है कि कोई भी उम्र में हो सके जी, अभी तक तो मन उठाओ कि भाई जो अपना बूढ़ा लोग हुए या जवान लोग हुए मोतियाबिंद वाम ही वाली जी, अब आप बताओ कि भाई छोटा टावरा का मायने भी मोतियाबिंद हो सके तो की उम्र के टावरा का मायने मोतियाबिंद हो सके और कोई तो खतरनाक हो सके जी। ये जो चाइल्डहुड कैटरैक्ट या पीडियाट्रिक कैटरैक्ट हम बोलते हैं, ये इसकी एज फिक्स नहीं है। इवन 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल, किसी भी एज के बच्चे को हो सकती है। आप देख सकते हैं, आपको दिख सकता है, एक अगर वाइट कलर की आपको सेंटर में ओपेसिटी या आपको डॉट दिख रही है, माँ होती है तो वो पहले देखेगी कि मेरे बच्चे के बीच में सफ़ेद रंग का कुछ मोतियाबिंद जैसा दिख रहा है। तो वो अगर आपको दिखता है तो आपको तुरंत ही अपने आई डॉक्टर को दिखाना होगा और तुरंत ही उसका इलाज करवाना होगा। क्यों? अगर हम बचपन का जो मोतियाबिंद है अगर हाथों हाथ नहीं ट्रीट करवाएंगे तो आगे जाके उसकी जो नसें हैं वो कम देखने के लिए कम देखेंगी और उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो एम्ब्लायोपिया जैसे कंडीशन बोलते हैं, तो वो फंक्शनल विजन लॉस हो जाता है जिसमें आपकी जो नसें हैं जो ब्रेन तक पहुंचती हैं वो काम नहीं करेंगी। तो बच्चे का अगर इलाज भी आपने बाद में करवाया होगा तब भी उसे कम दिखाई देगा जी। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी आप दी हो कि भाई जो मोतियाबिंद है वो भी की कोई उम्र को नहीं, छोटे से 2 महीना के टाबर हूँ लेट बड़े बुजुर्गों तक वो बीमारी हो सके और खासकर टाबर है वहाँ को खासकर ध्यान रखना चाहिए जी। अभी आप बताए हुए इसके साथ आ तो आप बात कर ली कि अंधत्व का कारण का ही है। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपने पूछूँ जी, आप आज बात करें नेत्रदान की, तो आप वहाँ के ग्रामीण भाई बहन आप बताओ कि नेत्रदान का ही है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारा सवाल रहे हुए नेत्रदान के बारे में, कई सारी भ्रांतियाँ भी रहे हुए जी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में, तो के बारे में आप बताओ। देखिए, दुनिया में हम कुछ भी देखना चाहें हमें सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है आंखें। आप इमेजिन करें, आप सोचें कि अगर आपकी आंखें नहीं हो जी। तो कैसा लगेगा? सब जगह अंधकार ही अंधकार। और जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं होती है वही समझ सकता है कि क्या होता है इसका मतलब। लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं जो हर रोज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं और सिर्फ 30,000 से 40,000 लोग ही हर वर्ष नेत्रदान करवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फासला है। ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है, हम लोग को नहीं पता है कि क्या है ये नेत्रदान, और अगर पता भी है तो हम इसके आगे ऊपर अपने को लोग इतना इसको मानते नहीं हैं। क्यों? हम जैसे गांव में जाते हैं अपन लोगों के, अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और अगर हम चाहते हैं कि उनका नेत्रदान करवाएं तो लोगों की धारणा है कि नहीं आगे जाके ये बिना आंखों के पैदा होंगे, नहीं आगे जाके इनकी आत्मा भटकेगी तो उसमें आंखें नहीं होंगी। ऐसी धारणाएं गलत हैं, ये सिर्फ अंधविश्वास है। जिस तरह से आप अभी देखते हैं कि हम अंग दान करते हैं तो वो ही वैसे ही हम नेत्रदान कर रहे हैं। और नेत्रदान इतना अच्छा दान होता है क्योंकि अगर आपकी आंखें जो आप जिसने आपको जीवन भर रोशनी प्रदान करी है वही आंखें किसी और को उसके जीवन भर रोशनी प्रदान करेगी तो आपकी आंखें फिर से दुनिया देख पाएगी उसी व्यक्ति के लिए तो जिसके लिए आप नेत्रदान कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? ये एक महादान है। हर धर्म कहता है कि लोगों के लिए अवश्य कुछ अच्छा करो और नेत्रदान से बढ़िया और कोई अवसर नहीं है। और मृत्यु के बाद अगर आप किसी को आंखें दे रहे हैं
तो इससे बड़ा आपके लिए पुण्य का काम क्या है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बहुत बढ़िया बात बताइए और बहुत सही बात भी है कि नेत्रदान के लिए जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नेत्रदान हूँ बड़ो महादान जो है वो कहीं को नहीं हो सके कि आपके जाने के बाद में आपकी आँखियाँ जीवित है और दुनिया देख रही है। एक साथ डॉक्टर साहब आप बात करें नेत्रदान की, तो नेत्रदान कौन लोग कर सके? हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन कर सकता है नेत्रदान। नेत्रदान हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है, हर जाति का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी का चश्मा लगा हुआ है, किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रखा है, किसी का रेटिना का ऑपरेशन हो रखा है, जब तक कि उसकी जो बाहरी लेयर है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया, जब तक कि आपकी कॉर्नियल लेयर क्लियर है, साफ है, पारदर्शी है, तब तक वो बंदा नेत्रदान कर सकता है। अगर आपको शुगर की बीमारी है, अगर आपको बीपी की बीमारी है, वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। जी आप बताए कॉर्निया के बारे में, आप बताओ कॉर्निया का ये इसके बारे में बताओ आप। जी, कॉर्निया एक हमारे जैसे आईबॉल होती है उसका एक ट्रांसपेरेंट, जैसे ये एक अपनी ये घड़ी है, घड़ी के ऊपर की परत है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, पारदर्शी है, वैसे ही एक पारदर्शी लेयर होती है कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है जिसके ऊपर अपनी सारी जो आँखों पे रोशनी पड़ती है वही जाके अंदर फोकस होती है रेटिना पे, और उसमें जो नस होती है ऑप्टिक नर्व जिसे हम देख सकते हैं। तो जब तक आपका कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट लेयर अगर क्लियर नहीं होगी, सपोज ये धुंधला हो जाए तो आपको अंदर की चीज़ कुछ नहीं दिखेगी। वैसे ही अगर वो पारदर्शी लेयर अपारदर्शी हो जाए, इसके भी कई कारण हो सकते हैं, चाहे कोई चोट लग जाए, कॉर्निया ट्रॉमा हो जाए, या कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, कोई अल्सर हो जाए जैसे, और कुछ लोगों में क्या होता है कि कंजेनिटल मतलब जन्मजात ही कॉर्निया में बीमारी पैदा होती है, और किसी किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी मतलब कुपोषण के कारण भी कॉर्निया में आपकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तो इन इन लोगों में क्या होता है कि हम ऐसे लोगों का अगर खराब कॉर्निया है उसको हम हटा के और नॉर्मल कॉर्निया, पारदर्शी कॉर्निया, नेत्रदान किया हुआ नॉर्मल कॉर्निया लगा दें तो वो एरिया को हम सही तरीके से लगवा के इस चीज़ को हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, और मेडिकल टर्म्स में इसको हम बोलते हैं केराटोप्लास्टी। तो ये आई डोनेशन, आई ट्रांसप्लांट होता है, और ये बेसिकली कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं जिससे हम लोगों को रोशनी प्रदान करने की क्षमता देते हैं। तो जी वो प्रत्यारोपण हुए की तरीका हुए इसके बारे में आप बताओ। जो कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो हम पूरा कॉर्निया लेके, जो हम व्यक्ति का लेते हैं पूरा कॉर्निया लेके, उसकी लेयर्स होती हैं, अगर हम पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, इसको हम फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी पूरा बोल रहे हैं। आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी ये है कि हम कॉर्निया को लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम कॉर्निया को एंटीरियर लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, पोस्टीरियर लेयर में, आगे की पीछे की। तो अगर एक कॉर्निया को हम दो लेयर में डिवाइड करके अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ आगे की लेयर्स की ही बीमारी है तो उसके लिए आगे की लेयर का कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाएगा वो निकाल के। अगर किसी को पीछे की पोस्टीरियर लेयर की बीमारी है तो पोस्टीरियर लेयर का कॉर्निया निकाल के वो ट्रांसप्लांट कर देगी। तो मतलब आप ये समझ लीजिए एक कॉर्निया से हम अगर दो लोगों को रोशनी दे सकते हैं तो हम दो कॉर्निया से चार लोगों को भी रोशनी प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते कि मतलब एक आदमी है इस प्रक्रिया को हम लैमेलर केराटोप्लास्टी बोलते हैं लेयर्स में। जी तो मतलब जी एक आदमी है बिकॉज वो दो आपकी दोनों आंखें डोनेट करे तो कितना मतलब लोग भी रोशनी प्राप्त हो सके, कितने लोगों ने भी रोशनी प्राप्त हो सके? करीबन चार लोग तो अपन दे सकते हैं, दो लोग तो होते ही हैं, एक बंदे से दो लोगों को रोशनी प्रदान करी जा सकती है। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी आप दी हो कि भाई अगर एक व्यक्ति नेत्रदान करे अपना तो एक व्यक्ति के नेत्र हूँ चार लोग ये दुनिया ने देख सके, ये दुनिया की खूबसूरती ने देख सके है। एक साथ डॉक्टर साहब आ तो बात कर ली कि भाई अपना जो बीपी का पेशेंट है या फिर जो भी कहना में ये बीमार है ये लोग नेत्रदान कर सके, बस मगर कॉर्निया जो है वे सही होना चाहिए जी। तो कौन लोग है जो कि है ना नेत्रदान कौन ही कर सके इसके बारे में भी आप बताओ जी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है नेत्रदान। सबसे पहले जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जैसे कि एड्स या एचआईवी इन्फेक्शन से, किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को रेबीज़ जैसे कुत्ता काट जाता है उसे रेबीज़ इन्फेक्शन फैल जाता है उससे कोई बीमारी से पीड़ित है, किसी को मेनिनजाइटिस या एनकेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, हेजा बोलते हैं जैसे उसके कारण, किसी के ब्लड में कैंसर हो, ल्यूकीमिया हो, लिम्फोमा हो, और भी तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज अगर हो, इस तरह से अगर किसी को गंभीर बीमारियां हैं उन व्यक्तियों को
नेत्रदान नहीं करना चाहिए। जी जी। तो जी हाँ डॉक्टर साहब, अब आप एक बात मैं आपने पूछ पूछाऊँ कि जी आप अबार क्योंकि रेबीज कोई ना कुत्तों काट जाए तो बिना भी आंखें वो दान को नहीं कर सके, तो कोई कुत्तों काटे आंखें पे कोई प्रभाव पड़े? नहीं नहीं, अगर वो डॉग बाइट है और डॉग बाइट आपने ट्रीटमेंट ले लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उससे आपको इन्फेक्शन, रेबीज का वायरस का इन्फेक्शन फैल गया है तब वो जो वायरस है वो कॉर्निया की लेयर्स में रहता है और इसके कारण हम वो लेयर कॉर्नियल लेयर्स को हम टच नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के अगर कॉर्निया में हमें लगता है कि नहीं इसमें इन्फेक्शन होगा तो हम उनका नेत्र नहीं लेते हैं, उन व्यक्ति का नेत्र हम नहीं लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आ तो आप बता दो कि भाई कौन लोग जो है भी नेत्रदान कर सके और कौन सा लोग है जो नेत्रदान को नहीं कर सके। इसके साथ एक और चीज़ पूछ पूछूँ कि उम्र का लोग जो है भी नेत्रदान कर सके? नेत्रदान जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। जी, लेकिन हमने ये अभी गाइडलाइंस में ये सुना है और पढ़ा है कि ये 2 साल से ऊपर के ही व्यक्ति, बच्चे लोगों से लेकर 85-90 तक के लोगों तक ही हम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर 2 साल से कम लोगों का भी अगर नेत्रदान करें हम तो उसमें जो कॉर्निया है उसका एक मायोपिक शिफ्ट होने की क्षमता रहती है, तो मतलब आगे जाके भी शायद आपको दिक्कत आ सकती है। और जो एज, ज़्यादा एज वाले लोग अगर हम लेते हैं, हालांकि वो नेत्रदान कर सकते हैं लेकिन अगर उनकी एज ज़्यादा होगी तो थोड़ा बहुत एज रिलेटेड हम जैसे चेंजेस आते हैं, चाहे वो चमड़ी भी हो तो झुर्रियाँ तो पड़ती ही हैं, तो कॉर्निया में भी अगर एज फैक्टर आता है तो उसमें भी चेंजेस आते हैं, तो वो लेयर्स भी अगर वो अगर कॉर्निया भी अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ मेरे इस सवाल में पूछते पूछते मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आले आपा देखा कि 4-4 साल का, 5-5 साल का टाबरा के चश्मा लाग जावे तो भी को कई कारण रेवे और मतलब कहीं बेटाबर नेत्रदान कर सके बड़ा हो? नेत्रदान के लिए हमें कॉर्निया सही होना जरूरी है। जी, बच्चों का हम जनरली नेत्रदान नहीं करते हैं जी, जब तक अगर उनके साथ कुछ ऐसी बीमारी होगी कि वो हमारी जिंदगी में नहीं है तभी हम ये सोचेंगे। बच्चों की जो बीमारी है चश्मा लगने की, उसके भी बहुत कारण होते हैं। सबसे पहले कारण जो आजकल हम देख ही रहे हैं वो है मोबाइल, जो जितना मोबाइल, जो जितना टीवी, जो जितना कंप्यूटर, लैपटॉप, क्योंकि आजकल स्कूल सारे ऑनलाइन हो रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग रिफ्रैक्टिव एरर, इसके कारण ये आते हैं चश्मा की, मतलब नहीं चाहते हुए भी उनके चश्मा लग रहा है क्योंकि उनके आंखों में गलत असर पड़ रहा है उन हार्मफुल रेज का, जो इतने पास में वो ऑन स्क्रीन जो देखते हैं बैठ के। तो अगर हमें अगर कुछ लोगों को जनजात भी रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं बच्चों में, तो चश्मा लग जब अगर उनको लग जाता है तो उनको जो आगे जो आप पूछ रहे नेत्रदान कर सकते हैं, तो हाँ वो आगे जाके नेत्रदान कर सकते हैं, ऐसी कोई, जब तक उनका कॉर्निया क्लियर है वो नेत्रदान कर सकते हैं। जी, और जी कोई जी आप बताओ कि जी चोट लाग जावे वे लोग नेत्रदान को नहीं कर सके? नहीं। ठीक है, इसके साथ एक और चीज़ मैं आपने पूछ पूछाऊँ कि जी हाँ आप हम नेत्रदान की बात कर रहे हैं तो नेत्रदान की प्रक्रिया कहीं हुई कि अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहे तो बिन कौन सी प्रक्रियाओं गुजरना पड़े और भी कोई चार्ज भी लागे, कोई पैसा भी लागे भी का? नहीं, सबसे पहले कि नेत्रदान जो ये प्रक्रिया है इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता, ये निशुल्क तरीका होता है। इसमें ये 2 तरीके से अपन कर सकते हैं, जब आप जीवित हैं तो आप एक संकल्प पत्र भर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना नेत्रदान करूं, मेरा नेत्रदान हो जब भी मेरी मृत्यु हो तो मैं एक संकल्प पत्र भरूंगा। और ये संकल्प पत्र कैसे भरा जाए इसके भी 2 तरीके होते हैं, एक तो हमारी जैसे आई बैंक सोसाइटी की वेबसाइट होती है उसमें ऑनलाइन ये फॉर्म अवेलेबल होता है, ये प्लेज फॉर्म बोलते हैं इसको, नहीं तो शपथ पत्र, संकल्प पत्र, ये भर के आप जमा कर सकते हैं। दूसरा, नहीं तो हर राज्य में जो आई बैंक सोसाइटी मौजूद है वहाँ आप खुद जाके भी ये फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने देखा कि परिवार में किसी की मृत्यु होगी और आप चाहते हैं कि उनका नेत्रदान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी आई बैंक को कॉल करना है और उन्हें इन्फॉर्म करना है कि हाँ हम इनका नेत्रदान करवाना चाहते हैं, तो वहाँ से आई बैंक की अपनी टीम 1 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच में आपके पास आ जाएगी और आपको ये एक फॉर्म भरवाएंगे, कंसेंट लेना पड़ता है कि हाँ हम करवाना चाहते हैं। दूसरा, नेत्रदान करने के टाइम पे 2 लोगों का वहाँ पे उपस्थित होना जरूरी है एक गवाह के रूप में, तो ये प्रक्रिया रहती है। तो आपको इस दौरान क्या करना होगा, जब आपको पता है कि हाँ हमें इस व्यक्ति का नेत्रदान करवाना है तो उस जगह कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। पहले तो
जिस व्यक्ति का करना है तो उनकी जो नेत्र हैं, उनकी जो पलके हैं वो बंद कर दें एक छोटे से टेप से लेके, और ताकि उनका कॉर्निया ड्राई नहीं हो। दूसरा, अगर उस कमरे में एसी, फैन या ऐसे कुछ चल रहा है तो उसको भी बंद कर दें। तीसरा, उस व्यक्ति के नीचे एक तकिया लगा दें ताकि उसके जो हम जब नेत्रदान करेंगे तो ज़्यादा उसमें ब्लड का वो डिस्चार्ज नहीं हो। और चौथा, मैंने बता ही दिया है कि आपकी लिखित सहमति से, कंसेंट से ही वो नेत्रदान करेंगे। ये नेत्रदान 6 घंटे के भीतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जो कॉर्निया की जो वायबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो और जब नेत्रदान किया जाता है तो उसमें या तो पूरा आईबॉल ग्लोब उसको हम निकाल सकते हैं, जिसको हम एन्यूक्लिएशन बोलते हैं, नहीं तो सिर्फ ऊपर की जो कॉर्निया की लेयर है उसी को हटा के हम कंटेनर में रख सकते हैं। और वहाँ पे जो, हाँ, एक और धारणा है कि ये लोग सोचते हैं कि जब आंखें निकल जाएंगी तो व्यक्ति कैसा दिखेगा, ऐसे ये सोचना गलत है। हम उन व्यक्ति की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और उस जगह पे जहाँ पे हमने जो आईबॉल निकाल दी है वहाँ पे एक छोटा सा एक कॉटन का प्लग रख के उसको बंद कर देते हैं ताकि लोगों को नहीं पता लगे कि इनके नेत्र नहीं हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आप दी कि भाई अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहे तो वो खुद भी नेत्रदान कर सके है, और अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजन के द्वारा भी नेत्रदान करो जा सके है। बस कुछ 2-3 बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि जी व्यक्ति की मृत्यु है बीके आंखें ने बंद करना है, बीके ऊपर कोई रुई या टेप लगानी है, पंखों नहीं चलाना है। इसके साथ एक और चीज़ पूछ पूछाऊँ कि जी आज शहरा की अगर आप बात करना तो शहरा में बहुत सारी सुविधा है, यातायात की बहुत सारी सुविधा है, आप फ़ोन कर भी बुला सकें। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करा तो गाँव में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और बीका परिजन जो है वे बीको नेत्रदान करवाना चाहे तो बीकी काई प्रक्रिया है, इसके बारे में बताओ। सही कह रहे हो आप, सरकार ने हमारे को हर राज्य में मेडिकल कॉलेजेस दे रखे हैं, और हर मेडिकल कॉलेज में कुछ ना कुछ आई बैंक जुड़े हुए हैं। तो आपको ये पता करना है कि आपके गांव के पास में सबसे नज़दीकी आई बैंक कौन सा पड़ता है, कौन सा मेडिकल कॉलेज है जिसके अंडर वो आई बैंक आ रहा है। तो उसका फ़ोन नंबर आप नोट करके रखें, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ इनका नेत्रदान करवाना है तो उन्हें फोन करके ताकि वो टीम तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। जी जी, तो इसके साथ एक और चीज़ पूछ पूछाऊँ कि जो नेत्रदान को जो टाइम है कितना हुआ, मतलब कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो नेत्रदान हो जाना चाहिए। हाँ, 1 घंटे से लेकर 6 घंटे के अंदर नेत्रदान हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब यूँ ज़्यादा समय जो है वो नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और चीज़ पूछ पूछाऊँ कि जी आजकल मौसम में बदलाव आ रहा है, तो मौसम के बदलाव के साथ साथ आँखें में बहुत सारी परेशानियाँ हो जाए, जलन उबा लग जाए आँखें के मायने, पानी गिरबा लग जाए, तो इको कई कारण रहे हैं। मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, और राज्यों में भी बदलाव है। जैसे अपने राजस्थान में है जो बहुत ही ड्राई क्लाइमेट है, हम कहीं और चले जाएं जैसे समुद्र के किनारे, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो इसके कारण क्या होता है, जैसे यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बीमारियाँ भी उसी तरह से होती हैं। यहाँ पे धूल मिट्टी धूप इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों में अपने आप ही आँखों में खुजली, किरकिरापन और चुभन, ये सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो इसको हम, ये तो जनरल एलर्जिक आई डिजीज है, ये तो अपनी परमानेंट ही जैसे गांव में लोगों में सबके होती ही है। जी। दूसरी होती है नखुनी बनना, जो इसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली टेरिजियम। तो ये टेरिजियम भी क्लाइमेट के कारण ही होती है। लोग बोलते हैं मांस उगने लग गया, हमारे नखुनी बन रही है, मांस आ रहा है, यहाँ पे देखिए मांस आ रहा है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्लाइमेट के चेंजेस के कारण अपने शरीर में चेंज होना है, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप धूल मिट्टी ड्राई एयर पड़ती है जो आँखों के ऊपर, उसके कारण एक आपकी परत आ जाती है। तो वो जो परत है वो एक मास जैसे बन जाता है, छोटा सा एक डॉट जैसे बन जाती है साइड में अपने कॉर्निया के पास में, तो उसको हम पिंगिकुला बोलते हैं। किसी किसी की आँखें इतनी मैली होती हैं क्योंकि वो इतना रगड़ते हैं, कितना मसलते हैं। तो ये भी इसी का कारण है कि हम अपनी आँखों को कोमलता से नहीं लेते हैं। हम ऐसा सोचते हैं खुजली आई तो खुजली करो करो, जैसे कि आटा लगा रहे हो, बस मसलो मसलो, ऐसा नहीं है। जितना आप मसलेंगे उतना ही आप डैमेज कर रहे हैं, जितना आप मसलेंगे उतना ही आपकी आंखों में सूजन आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप खुजली आती है तो उसको कायदे से दिखाएं डॉक्टर को, और दवाई लें, और दवाई से मिनिमम टच करें, जितना कम से कम लगे उतना ही आप अपनी आँखों को छुएं, अपने हाथों को अपनी आंखों पे पड़ने ना दें, बस इसका ध्यान रखें, क्योंकि आधी बीमारी आप खुद ही ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी उंगलियों के जरिए। जी, इसके अलावा एक और चीज़ पूछ पूछाऊँ डॉक्टर साहब जी, आप अंधत्व की बात करें कि भाई अंधोपन का एक कारण रेव है, तो मतलब आप अपनी आंखें ना स्वस्थ किया रख सका, इसका भी कोई उपाय है कि भाई अपन आंखें ने की तरीकों में रखा कि अपनी आंखें सही रहे, कोई बीमारी हुई को नहीं आंखें? हाँ, सबसे पहले तो होता है खान पान। जी, डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए,
जैसे कि हम जानते भी हैं कि ताज़ा फल सब्जियाँ, हरी पत्ते की सब्जियाँ और जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि पपीता है, आम है, गाजर है और हरी मूली, ये सारी जो सब्जियाँ जो है, आहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई के साथ में अपन। दूसरा आता है, अगर आजकल जैसा है वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन बैठ के स्कूल हो, जैसे भी हो, ज्यादा से ज्यादा जनता 60% जनता जो है वो कंप्यूटर पर बैठी है, छोटे छोटे टावर ही पूरा टाइम कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहे हैं, तो उनको भी आपको रेस्ट देना जरूरी है। आंखें, अगर आंखें आपकी नहीं होंगी तो ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, है ना। तो ये है कि अगर आप बैठ भी रहे हैं तो इसके भी एक रूल होता है 20-20-20। आपको क्या करना है, आप 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे जब भी आप बैठ रहे हैं, आप 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बैठेंगे और आपके जो इसका ये डिस्टेंस है वो भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और करेक्ट आपको चेयर और टेबल पर बैठ के, ये नहीं कि लेट के पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और घंटे घंटे भर आप जब हम कंप्यूटर पर बैठते हैं आंखें ड्राई होती हैं, आंखें ड्राई होंगी तो अपन खुजली करेंगे, इरिटेशन होगी, एलर्जी होगी। बिल्कुल, आपने मतलब खान पान के साथ साथ में आप कंप्यूटर पे जो भी काम करा बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आंखों की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में पधारिया और है ना नेत्रदान ने लिए इतनी बढ़िया जानकारी आप माँ के दर्शिका ने दी, माँ के कार्यक्रम में पधारवा खातर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण भाई बहनों, नेत्रदान सब बड़ो महादान है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नेत्रदान करो और आपके आसपास में जो भी लोग रहे बने भी चीज के लिए अवेयर करो कि नेत्रदान आपकी आंखें दान करे हूँ, बहुत सारा लोग दुनिया में बहुत खूबसूरत इस संसार ने देख सके है। आज चौपाल में बस इतो ही, फिर मिलशा एक नई चौपाल में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।